वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं। मैं थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। बेसिकली ये हमारे चेयरमैन का ख्वाब है, जाहिद रफीक साहब ने, जब मेरे उनसे बात हुई इस बारे में, पूरा हमने कंसीव किया, तो ही वॉन्टेड टू डिवेलप समथिंग इन पाकिस्तान जो कि कोई टिपिकल या ट्रेडिशनल हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं हुए। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट हो कि जिसमें के पाकिस्तान की रियल स्टेट का लैंडस्केप चेंज हो। उसके लिए वी वेंट अक्रॉस द ग्लोब एंड एवेंचुअली वी डिसाइडेड टू स्टार्ट अ स्मार्ट सिटी। जो चीज थोड़ी सी एलैबोरेट करने वाली है जो बाकी साथियों ने करनी, उसके अलावा कि आप एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे स्मार्ट सिटी की, स्मार्ट टेक्नोलॉजी का रोज जिक्र भी होता है और आप उसको एक्सपीरियंस भी करते हैं। तो जब हम जाते थे तो हम ये सोचते थे कि यार पाकिस्तान में ये क्यों नहीं हो सकता और कैसे हो सकता है। तो देन दी मैनेजमेंट टू द इनिशिएटिव और हमने कहा कि हम चूंकि रियल स्टेट से हैं तो हम एक स्मार्ट सिटी डेवलप करते हैं। अब जब स्मार्ट सिटी पे डेवलपमेंट की बात आई तो उसकी एक्रेडिटेशन की एक लंबी लिस्ट है जो आपको पूरी करनी पड़ती है। आप सिर्फ स्मार्ट लिखने से स्मार्ट नहीं हो जाते। हबीब रफीक नाम जो है, जो स्पेशली लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या जिनका रियल एस्टेट से कोई ताल्लुक है, उनके लिए ये नाम कोई नया नाम नहीं है। हबीब रफीक की बहुत क्रेडिबिलिटी है वहाँ पे। स्मार्ट सिटी या कैपिटल सिटी जाहिर है कि लोगों को चाहिए कि वो इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना ड्यू डिलिजेंस जरूर करें। लेकिन मैं हबीब भाई की बात से इत्तेफाक करूँगी कि ज़मीन वाकई धोखा नहीं देती। मैंने पाकिस्तान में सन 2002 से इन्वेस्टमेंट्स की हैं और they have given me a remarkable interest on that, मतलब profit बहुत हुआ क्योंकि मैं flipping के उसमें हूँ। मैं अमेरिका में घरों को flip करती हूँ तो पाकिस्तान में मैं land flipping करती हूँ और मैंने बहुत सारी investments की in all these years और कोई भी हुकूमत रही हो ज़मीन हमेशा appreciate करती है।